हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने अपने एक नए कंटेंट चित्र चैट पर चर्चा के साथ प्रस्तुत हूँ। और आपने मेरे पिछले वीडियो शिक्षण योजना को बहुत लाइक किया, इसके लिए धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं नए नए कंटेंट आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँ। चलिए अपने कंटेंट चित्र चैट पर चर्चा पर वापस आते हैं। हमें कई तरीके की सामग्री दी गई हैं प्राइमरी में बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिसमें से कि चित्र चार्ट पर चर्चा, कहानी पोस्टर्स, इस तरीके के और कविताएं दी गई हैं। तो आज उसमें से हमने जो सिलेक्ट किया है वो है चित्र चार्ट पर चर्चा। इस चित्र चार्ट पर आपने देखा होगा कि मेले का चित्र है, खेत में काम करते हुए व्यक्तियों का चित्र है, एक गाँव का जो चित्र चार्ट है वो है, और एक चित्र चार्ट उसमें से है कुश्ती का। तो आज हमने कुश्ती का चित्र चार्ट जो है उसको चर्चा के लिए चुना है। तो देखते हैं कि इस पर हम कैसे चर्चा परिचर्चा कर सकते हैं। सर्वप्रथम इस पर चर्चा करने के लिए जो शिक्षक हैं वो अपना जो भी चार्ट उन्हें चर्चा करने के लिए चुनना है उस चार्ट को लेके बच्चों के मध्य जाएंगे और उसको या तो बीच टेबल पे या आपके पास कोई दरी हो जिसपे हम लोग अक्सर बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं वहाँ पर उसको बीच में रख देंगे और बच्चों को गोल घेरे में बैठा लेंगे। या फिर अगर हमने टेबल पे रखा है और आपके बच्चों के कितने बच्चे हैं आपकी कक्षा में, इस पर डिपेंड करता है कि बच्चे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आपकी क्लास में कितने हैं। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कम है तो आप टेबल पे रख लीजिए, बच्चों को साइड में खड़ा कर लीजिए और वो इसका अवलोकन करते रहेंगे। लेकिन अगर आपकी कक्षा में बच्चे ज़्यादा हैं तो फिर आप इसको किसी दरी के बीच में रख दीजिए और बच्चों को यू शेप में बैठा लीजिए और बच्चों को 5 से 10 मिनट के लिए अवलोकन करने के लिए छोड़ देंगे। बच्चों से कहेंगे कि बेटा ये एक चित्र है, आप इसको देखिए और अपने मन में ही आपको जो दिखाई दे रहा है, जो आपको समझ में आ रहा है, उसे आप अपने मन में समझिए और थोड़ी देर बाद हम उस पर चर्चा परिचर्चा शुरू करेंगे। तो बच्चे 5 से 10 मिनट में इस चार्ट को देखेंगे और जो भी उनके मन में आ रहा है, जो भी उनको दिखाई दे रहा है, चाहे वो कोई सवाल भी हो सकता है या वो कोई जिज्ञासा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, जो भी बच्चों का मन है, जो उनको समझ में आ रहा है उनकी क्लास के अकॉर्डिंग, वो इसको देखेंगे और समझेंगे। 10 मिनट बाद जो शिक्षक हैं वो बच्चों के बीच इस चित्र चार्ट की चर्चा को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं वो हम आज शेयर करेंगे। तो सर्वप्रथम बच्चों को सहज करने के लिए हम देखें बच्चे कुछ घबराए हुए होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि क्या है, या कहीं हमें डांट ना पड़े या कुछ भी हो जाए। बच्चा घर से किसी भी स्थिति में आता है, मनोस्थिति में, उसकी मेंटल कंडीशन कुछ भी हो सकती है। कभी कभी वो बहुत खुश होता है, कभी कभी उसका स्कूल आने का मन नहीं होता तो मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती उसको स्कूल भेज दिया तो वो स्कूल को बहुत वाव समझने लगता है। तो बच्चे का मूड जो है वो अलग अलग होता है। तो बच्चों को नॉर्मल करने के लिए, उन्हें सहज करने के लिए हम उनसे कुछ बहुत ही ईजी से सवाल पूछेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इन सवालों में हमारी कक्षा का हर बच्चा पार्टिसिपेट कर ले ताकि हर बच्चा जो है नॉर्मल हो जाए और खुलकर चर्चा परिचर्चा कर सके। अब बच्चों को सहज करने के लिए सबसे इजी सवाल जो है वो मुझे लगता है वो ये हो सकता है, हम हर बच्चे को, एक एक बच्चे को खड़ा करके हर बच्चे से ये पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा, आपको सिर्फ एक लाइन में या एक सेंटेंस में बताना है कि आपने इस चित्र चार्ट में क्या देखा। अब जैसे हमने पहले बच्चे से पूछा तो हो सकता है कि वो बच्चा बता दे कि मैंने पीछे पेड़ देखा, कोई बच्चा होगा वो कह देगा कि मैंने 2 आदमी देखे जो लड़ रहे हैं, कुछ बच्चे होंगे वो कह देंगे कि बहुत सारी भीड़ खड़ी हुई है, कुछ बच्चे कह देंगे कि मैंने एक छोटा सा बच्चा देखा है जो लड़की है अपने पापा के कंधे पर बैठी हुई है। इस तरीके से बच्चे अलग अलग जवाब देंगे और इन अलग अलग जवाबों को देते देते कब बच्चे सहज हो जाएंगे, बच्चों को खुद भी समझ में नहीं आएगा कि वो कब सहज हो गए और चर्चा परिचर्चा में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगेंगे, बहुत मोटिवेट हो जाएंगे। फिर टीचर जब हर बच्चे से इस तरीके से पूछ लेंगे एक एक सवाल, क्योंकि चार्ट में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं तो हर बच्चा अलग अलग आंसर दे सकता है और हो सकता है कुछ बच्चों का आंसर कॉमन भी हो, वो एक ही आंसर दें जो दूसरे वाले ने दिया है। तो हमें उन्हें टोकना नहीं है, उन्हें डांटना नहीं है, जो उनके मन में है उसकी अभिव्यक्ति कर देने देनी है, उनको बोलने देना है, बस उन्हें बोलने के लिए मोटिवेट करना है। तो हर बच्चा जब बता देगा तो हम अब चर्चा को आगे बढ़ाते हुए जो शिक्षक हैं वो उनसे 2 तरीके के प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न हमारे 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं बंद छोर के प्रश्न और एक होते हैं खुले छोर के प्रश्न। अब वैसे तो हमारे शिक्षक साथियों को पता होगा कि ये दोनों प्रश्न क्या होते हैं, फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं एक बार इनके बारे में बता देती हूँ।
जो वन छोर के प्रश्न होते हैं उनका उत्तर चाहे कोई भी बच्चा दे, उनका उत्तर एक ही होगा। और जो खुले छोर के प्रश्न होते हैं उनका जो आंसर होता है वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, यानी हर बच्चा अपने अकॉर्डिंग उसका आंसर चेंज कर सकता है या उसका कोई भी आंसर दे सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, अगर हम वन छोर का प्रश्न पूछें तो हम पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा ये बताइए कि इसमें कितने लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो कोई भी बच्चा अगर उसका आंसर देगा तो वो चित्र को देख लेगा और वो यहाँ से देख के बताएगा कि ये दो इंसान जो हैं आपस में लड़ रहे हैं, तो वो जो आंसर देगा वो टू ही होगा, नंबर ऑफ पीपल जो कि लड़ रहे हैं वो दो ही रहेंगे। तो बच्चों का जो आंसर है वो हो गया वन छोर का, यानी इन्हें हम वन छोर के प्रश्न कहते हैं। अब खुले छोर के प्रश्न क्या होते हैं? खुले छोर के प्रश्न में हम पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए बेटा, अगर आप ये जो पहलवान है जो लाल रंग के वस्त्र पहना है, अगर आप इसकी जगह होते तो आप क्या करते, या आप इसमें लड़ रहे होते तो आप अपने साथ अपने किस साथी को कुश्ती के लिए या दंगल के लिए आप इनवाइट करते, या किसके साथ आप लड़ना पसंद करते। तो हर बच्चा या तो अपने बेस्ट फ्रेंड का बताता है, या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनकी किसी बच्चे से बनती नहीं है तो वो उसका नाम ले देते हैं कि मैम हम उसके साथ लड़ेंगे या सर हम उसके साथ लड़ते। तो ये हो गए खुले छोर के प्रश्न, जिसमें बच्चे की इमेजिनेशन जो पावर है, कल्पनाशीलता है, उसका विकास करते हैं हम। बच्चे को खुला छोड़ देते हैं और वो अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उन सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ वन छोर के जो प्रश्न हैं वो जो टीचर पूछ सकते हैं बच्चों से वो ये हो सकते हैं, जैसे पहला प्रश्न वो पूछ सकते हैं कि बेटा कितने व्यक्ति इसमें लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बच्चा देख कर बताएगा कि यहाँ पर ये और ये, यानी दो व्यक्ति लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बेटा ये बताइए कि इस अखाड़े में ये जो दो पहलवान लड़ रहे हैं इनके अलावा और कितने व्यक्ति हैं। तो बच्चा यहाँ से देखेगा, चार्ट का अवलोकन करेगा और फिर बताएगा आपको कि चार लोग और हैं। तो फिर हम किसी दूसरे बच्चे से पूछ सकते हैं, अच्छा बेटा बताइए कि इनके अलावा जो इस बच्चे ने चार व्यक्ति बताए वो कौन कौन थे। तो वो बच्चा बताएगा कि यहाँ पे दो पहलवान बैठे हुए हैं, एक व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा है और एक व्यक्ति ये खड़ा हुआ है। तो हम उससे पूछ सकते हैं बनछोर के प्रश्न में कि अच्छा बताओ जो व्यक्ति नगाड़ा बजा रहा है उसके कुर्ते का रंग क्या है। तो बच्चे बताएंगे कि उसने नीले रंग का कुर्ता पहना हुआ है। इस तरीके से बहुत सारे बनछोर के प्रश्न इसमें बन जाएंगे जो हम बच्चों से पूछ सकते हैं। अब आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कुछ खुले छोर के प्रश्नों के साथ। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि बेटा ये बताइए कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक खुले छोर का प्रश्न बताया जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बच्चे उसका बहुत ही मज़ेदार जवाब देंगे, कि अगर इनमें से लड़ने वालों में से एक आप हैं तो दूसरा साथी कौन होगा। अब वो बच्चा आपकी कक्षा से भी हो सकता है, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी हो सकते हैं, उनमें से आप किसी का भी नाम बताइए और ये बताइए कि आप उसके साथ क्यों लड़ना चाहते हैं या उसके साथ कुश्ती क्यों करना चाहते हैं। तो बच्चे बड़े मज़ेदार जवाब देंगे कि वो हमसे लड़ता रहता है मैम, या सर वो हमें हमेशा मारता रहता है तो हम ये करेंगे तो हम उसको पटक देंगे, या वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है मैं उसके साथ ही लड़ना चाहता हूँ, या हम दोनों अक्सर साथ खेलते हैं इसलिए हम उसके साथ लड़ना चाहते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अब इसी चित्र चार्ट पे हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं उनका जीके की नॉलेज बढ़ाने के लिए कि भारत के जो सर्वश्रेष्ठ कोटि के पहलवान हैं वो हैं सुशील कुमार, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं और उच्च कोटि के खिलाड़ी हैं। तो ये बच्चों को एक जीके की जो नॉलेज है वो उनके पास चली जाएगी और वो याद रखेंगे कि अच्छा हमारे देश के जो एक मुख्य पहलवान हैं वो हैं सुशील कुमार। फिर हम इसी में बच्चे को, इसी चार्ट में हम बच्चे को बहुत सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड कर सकते हैं। हम उसे मैथ्स पढ़ा सकते हैं, हम उसे हिंदी पढ़ा सकते हैं, हम उसे कलर्स पढ़ा सकते हैं, हम उसे क्या कहते हैं जीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम कौन कौन से रंगों के नाम उसको पढ़ा सकते हैं। तो रंगों के नाम उसे दोनों में पढ़ा सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वैसे ज़्यादातर हिंदी में बच्चे जानते हैं तो हम उनको हिंदी में उनसे पूछेंगे और इंग्लिश में हम खुद उन्हें बताएंगे। जैसे हम बच्चों से पूछ सकते हैं, अच्छा बेटा ये बताइए कि ये कौन सा कलर है जो इस महिला ने पहना हुआ है, ये कौन सा कलर है। तो बच्चे लाल रंग बहुत अच्छे से जानते हैं तो बच्चे बताएंगे लाल। तो हम उन्हें बताएंगे अच्छा लाल, लाल को इंग्लिश में कहते हैं रेड, RED। यहाँ साथ ही साथ हम उसको रेड की स्पेलिंग भी बता देंगे और पहले दिन उसको मौखिक रूप से बताएंगे, मौखिक रूप में उसको याद करवाएंगे कि लाल
लाल मीन्स रेड, वो याद करेगा और अगले ही दिन उसी चीज़ को हम उसकी कॉपी में भी लिखवा सकते हैं, उसको रिटिंग फॉर्म में करवा सकते हैं कि आर ई डी, स्पेलिंग ऑफ रेड इज आर ई डी, रेड, रेड मीन्स लाल कलर। अब यहाँ पे चर्चा पे हम क्या कर सकते हैं, जब हम मौखिक रूप से कर रहे हैं तो बच्चों से ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा जब हमने रेड को बता दिया कि भाई लाल, लाल मीन्स रेड, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा ये बताइए बेटा और लाल क्या होता है, तो बच्चे बताएंगे कि टमाटर लाल होता है, अनार लाल होता है, कुछ बच्चे बताएंगे कि मैडम मिर्ची भी लाल होती है क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी को देखा है मिर्ची पाउडर डालते हुए, या उनके घर में जो हरी मिर्ची होती है वो लाल हो जाती है, तो मैडम मिर्ची भी लाल होती है। कुछ बच्चे बताएंगे कि मैडम वो भी चीज़ लाल होती है या और कोई भी चीज़ जो उन्होंने लाल देखी है, या क्लास में कोई ऐसा बच्चा होगा जिसके पास रेड कलर का टिफ़िन या बॉटल होगा, वो बताएगा कि मैम ये भी रेड है। तो हम बच्चों को कहेंगे अच्छा ठीक है आप देख के बताइए कि बहुत जो चीज़ें हैं हमारी क्लास में, जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं उनको देख के बताइए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ रेड कलर की है। तो बहुत सी कक्षाओं में हमने देखा है कि हमारे छोटे बच्चों के लिए जो वॉल पेंटिंग्स कराई गई हैं उसमें जो फ्रूट्स हैं वो पिक्चर्स ड्रॉ हैं उसकी, तो ज़्यादातर सेब जो है वो हर कक्षा में आपको मिलेगा फ्रूट में, तो वो लाल रंग का होगा। तो फिर उसके बाद हम बच्चों से इसमें एक्टिविटी भी करवा सकते हैं, हम दो बच्चों को बुलाएंगे, वो अपोजिट टीम में होंगे, एक टीम ए में एक टीम बी में, और हम बच्चों से बोलेंगे कि अच्छा बेटा यहाँ पर रेड कलर कितने ढूंढ के बताइए, तो दोनों बच्चे जल्दी जल्दी इसमें से काउंट करेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से काउंट करेंगे और गिन के बताएंगे, तो जो बच्चा पहले बता देगा उसको हम विनर डिक्लेयर कर देंगे। तो बच्चे इसमें कलर भी बहुत आराम से सीख जाएंगे, जैसे रेड है, येलो है ना, ये सारे कलर्स, ब्लैक है, बच्चा सीख जाएगा। फिर हम इसी चार्ट से बच्चे को कि औरत है, औरत को इंग्लिश में कहते हैं वुमेन, तो बच्चा सीख जाएगा। बॉय, बॉय मीन्स लड़का, गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, इस तरीके से इंग्लिश का जो कंटेंट है हम कवर कर सकते हैं। फिर हम आते हैं गणित पे, इसी चार्ट से हम बच्चों को गणित भी पढ़ा सकते हैं, जैसे कि हम बच्चों से पूछ सकते हैं अच्छा बच्चों कलर का ही आगे कंटेंट बढ़ाते हुए हम उससे पूछ सकते हैं कि अच्छा बताइए इस पूरे चित्र चार्ट में कितने लोगों के पास लाल कलर रंग की चीज़ है, तो बच्चे काउंट करके बताएंगे 1 2 3 4 5, तो बताएंगे मैम 5 के पास है, 6 के पास है, 7 के पास है, तो वो खेल खेल में गिनती भी सीख रहे हैं और उनको पता भी नहीं चल रहा है कि वो पढ़ रहे हैं। तो ये प्ले वे मेथड है जिससे हम बच्चों को मैथ्स भी पढ़ा सकते हैं। तो जो बच्चा काउंट करके बता देगा कि मैम 6 है या सर 6 है, तो हम उसे बोलेंगे अच्छा 6 कैसे लिखते हैं बेटा, उसको हम चौक दे देंगे और उससे बोलेंगे कि ब्लैक बोर्ड पर 6 लिख के दिखाओ, तो वो साथ ही साथ मैथ्स भी पढ़ रहा है। फिर हम उसे बोल सकते हैं कि अच्छा बताइए इसमें कितने आदमी हैं, जितने आदमी यहाँ खड़े हुए हैं उन्हें काउंट करके बताइए, गिनिए यहाँ पे कितने आदमी हैं, तो वो आदमियों को भी गिन के हमें बताएगा। इस तरीके से हम खेल खेल में उसे गिनती भी सिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम कैसे एक चित्र चार्ट से बच्चे को एक चित्र चार्ट से हम बहुत सारी चीज़ें उसको सिखा सकते हैं, और इस चर्चा को और परिचर्चा को हम अपने समय के अनुरूप घटा या बढ़ा सकते हैं। अगर आपको लगे कि बच्चों के लिए एक बार में ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको स्टेप बाय स्टेप करिए, और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे ये चीज़ समझ रहे हैं, उन्हें जिज्ञासा हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आप उसमें कवर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेट करिए नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।